स्टूडेंट्स देखो, अपन ने रिलेशन फंक्शन में टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ लिया था, उसकी एक्सरसाइज 1.2 भी कर ली थी। कुछ एक क्वेश्चंस आपको करने के लिए कहा था, उम्मीद है कर लिए होंगे। आगे अपन बात करते हैं, आगे इस जो चैप्टर है अपना, इसके अंदर आगे जो टॉपिक आता है वो है कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्टिबल फंक्शन, लेकिन ये इस बार सिलेबस से हट गया है, तो अपन सीधा बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन अब तक अपनी छोटी से बड़ी क्लास हो गई, अब तक जो फोर मेजर अपने ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन, ये चार अब तक काम आए हैं। चार जब ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे, जब दो डिजिट है उनको ऐड करके ही अपन तीसरी डिजिट प्राप्त करते हैं, या फिर तीसरी डिजिट आती है अपनी। वैसे ही अगर अपने को तीन डिजिट को अगर ऐड करना हो तो कैसे क्या करेंगे, तीन डिजिट को करने के लिए सबसे पहले दो को ऐड करेंगे, फिर उसके अंदर जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरी के साथ ऐड करेंगे। यही बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब कि दो संक्रिया, ऐसा ऑपरेशन जो किन्हीं दो डिजिट में लगे, सबसे पहले दो डिजिट में लगे उसके बाद तीसरी में लगे, वो अपना बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे बाइनरी ऑपरेशन की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या बनेगी, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट इज ए फंक्शन ऑफ, ये रहा फंक्शन होगा ये वाला, एक्रॉस है, मतलब कि एक प्रोडक्ट होगा, एक प्रोडक्ट वाला फंक्शन होगा, वो मूव करेगा एम ए, इसको अपन डिनोट करेंगे ए स्टार बी से। आया समझ में, बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट कैसे करेंगे, ए स्टार बी से। एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 29, एग्जाम्पल नंबर 29 क्या है, सो दैट एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, किस पे है, आर पे, बट डिविजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, फर्दर सो दैट डिविजन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट R star of non-zero real number। सबसे पहले बात करेंगे अपन, एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, सेट का भी ध्यान रखना है कि वो किस सेट में बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, वो ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, एडिशन है बाइनरी ऑपरेशन क्या है, डिनोट कैसे करेंगे इसको, बाइनरी ऑपरेशन किसमें करेंगे, R क्रॉस R का R में, ये इसको डिनोट करने का तरीका है। अपने को एडिशन प्रूफ करना है किसमें, आर क्रॉस आर में, और किससे, आर से। देखो इसका मतलब क्या है, एक कॉमा बी, इसको प्रूफ, इसको डिनोट कैसे करेंगे, अब स्टार, स्टार क्या है अपना, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, प्लस प्लस, तो ए प्लस बी क्या आर में एग्जिस्ट करता है, यानी कि a प्लस बी, a की वैल्यू कुछ भी ले लो, b की वैल्यू कुछ भी ले लो, r में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि जो रिजल्ट है, यानी r क्रॉस r तो ये रहा, जो इसका रिजल्ट है a प्लस बी, वो इसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, कर रहा है, यानी कि a प्लस बी, a की जगह कुछ भी ले लो, b की जगह कुछ भी ले लो, रियल नंबर्स, आया समझ में, ये भी रियल नंबर्स है, यानी a और b दोनों रियल नंबर्स है, दोनों को अगर ऐड करें तो अपने को पता है दो रियल नंबर को ऐड करने पर हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। आगे समझ में, अब ऐसे कैसे, सब्सट्रैक्शन के लिए देखते हैं, यही होगा सब्सट्रैक्शन के लिए भी, यही होगा ए बी, आर क्रॉस आर का मतलब ए बी, यानी कि प्रोडक्ट होगा ए बी, यहां पर अब ऑपरेशन क्या है अपना, नेगेटिव यानी सब्सट्रैक्ट है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, होगा, दो रियल नंबर्स को अगर सब्सट्रैक्ट करें अपन तो क्या हमें रियल नंबर गिवन होगा, यानी मिलेगा a माइनस b, भी हमें रियल नंबर ही मिलेगा, तो ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसके बाद इसने बोला है मल्टीप्लीकेशन, ये रहा मल्टीप्लीकेशन, यहां पे भी मल्टीप्लीकेशन। अब देखो क्या ये हमें बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, है, दो रियल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा अपने को मल्टीप्ली, तो वो तीसरा जो रिजल्ट मिलेगा वो भी अपने को आर में ही मिलेगा, आर में ही मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है।
अब बात करते हैं अपन डिवाइडेशन की। अब ये बताओ क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर बी जीरो हो जाए तो ये क्या बनेगा अपना? जीरो, जो बन जाएगा इनफाइनाइट, यानी जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हो गया यानी कि आर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो जो डिवाइडेशन है इसके लिए ये क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा रियल नंबर्स में। आ गया समझ में? अब ये बोल रहा है कि अगर आर स्टार हो, ये हो आर स्टार टू आर स्टार हो, आर स्टार का मतलब क्या है? ये कैसा है? नॉन जीरो, नॉन जीरो सेट है, यानी रियल नंबर का ऐसा सेट जो नॉन जीरो हो, यानी कि जीरो होगा ही नहीं, यानी बी इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा कभी भी। तो ये क्या, ये ए पॉन बी बाइनरी ऑपरेशन होगा? इसके लिए ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। आ गया समझ में? आर स्टार क्या है? नॉन जीरो, जीरो नहीं है तो ये डिफाइंड क्या होगा? अगर यहां जीरो हो जाए तो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि इनफिनाइट हो जाएगा, डिफाइन नहीं कर पाएंगे उसको। बट यहां पर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। आया समझ में? नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 30, एग्जाम्पल नंबर 30, इसमें देखो, सो दैट सबस्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। यानी कि एक तो क्या है, सबस्ट्रैक्शन, सबस्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन, डिवीजन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। किसमें? एन। आगे समझ, ये अपने को प्रूफ करना है, यानी कि शो करना है कि ये सबस्ट्रक्शन और डिवीजन जो है वो एन के अंदर अपना बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो नहीं है, देखो कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, 4 बिलोंग्स टू एन और 7 बिलोंग्स टू एन। आगे अगर अपने को ये करना है, क्रॉस एन को ओपन लेने हैं एन में, तो क्या बनेगा अपना? 4 7 सेवन फोर ले लेते हैं, ठीक है 7 4 क्या बनेगा अपना? 7 -4 -3 सॉरी जो लिया था सही लिया था अपन ने, 4 बिलोंग्स टू एन और 7 बिलोंग्स टू एन। ये क्या बना अपना? माइनस को लेना है एन क्रॉस एन में, ये एन क्या बनेगा? 4 7 क्या होगा? 4 -7 जो आएगा -3, नॉट बिलोंग्स टू एन। आया समझ में? देखो नेगेटिव यहां पर बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी एन के अंदर नेगेटिव नंबर बिलोंग नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिवाइड ये सबस्ट्रक्शन के लिए है, सबस्ट्रक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। आगे समझ में? आगे वाला देखते हैं अपन। अब ये बोल रहे हैं डिवाइडेशन, डिवाइडेशन क्या होगा? यही एग्जांपल ले ले अपन, 4 और 7 बिलोंग्स टू एन, डिवाइडेशन के लिए क्या होगा? एन क्रॉस एन इज यही है। इसके लिए देखो क्या बनेगा अपना, 4 बाई
सेवन जो कि बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब क्या होगा, डिवीजन ऑल्सो, डिवीजन ऑल्सो इज नॉट एन बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। आया समझ में, बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, आ गया समझ में, एन क्रॉस एन का एन के साथ फंक्शन होना चाहिए, तब वो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन। आगे समझ में ये एग्जांपल से। अब चलते हैं आगे, अब बात करते हैं अपन आगे बाइनरी ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज की, कि वो प्रॉपर्टीज कब कब अप्लाई होती है। सबसे पहले बात करते हैं अपन कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव कब होगा, यानी ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ ए क्रॉस बी है, ए स्टार बी है, जो ए ऑपरेशन बी है वो ऑपरेशन किस पे लगना चाहिए वापस, बी बी स्टार ए पर, फॉर एवरी सबके लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्या होगा ए। आगे समझ में, मतलब एक बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होगा, जब ए ऑपरेशन बी वही ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए हो, तब ये जाके क्या बनेगा, एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। आगे समझ में, यानी कि ये दोनों इंटरचेंज हो जाए, फिर भी वो जो ऑपरेशन है वो वैसा का वैसा ही रहे। मतलब कि देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 34, सो दैट ये वाला ऑपरेशन आर के अंदर और ये वाला ऑपरेशन दोनों कैसे हैं, कम्यूटेटिव। आगे समझ में, और ये वाले ऑपरेशन और ये वाला ऑपरेशन स्टार है, ध्यान रखना स्टार का मतलब क्या होगा, नॉन जीरो, यानी कि जीरो इसमें काउंट नहीं होगा, आर नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि ये तो है अपने कम्यूटेटिव और ये है अपने नॉट कम्यूटेटिव, ये दोनों शो करना है। तो ये देखो ये कैसे होगा, यानी कि इसको कैसे प्रूव करेंगे अपन, क्या होना चाहिए, ए बी क्या होगा, ए प्लस बी, और इसी के अंदर अपन बात करें अगर तो बी प्लस ए होता है पॉजिटिव के लिए, यानी कि एडिशन के लिए ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। इसके लिए देखें अपन ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होगा, क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में होता ही है, रियल नंबर सेट है अपने पास और मल्टीप्लीकेशन में ये होता है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कम्यूटेटिव है। वैसे इसकी बात करें अपन, ये क्या है, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए, कभी होगा क्या, ये नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। सेम इसमें a upon b is not equals to b upon a, real number या फिर किसी भी real number integer या किसी के भी, ये भी ये possible नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो commutative है और ये commutative नहीं है। आया समझ में। इसके बाद आगे देखते हैं अपन associative, यानी कि एक binary operation associative कब होगा, इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए इज कॉल्ड एसोसिएटिव इफ कॉल्ड एसोसिएटिव इफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, ये होना चाहिए। एसोसिएटिव का मतलब तो पता है, ए प्लस बी प्लस सी
इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। आया समझ में? यही एसोसिएटिव होगा। अगर बाइनरी ऑपरेशन अगर एसोसिएटिव है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ये चीज होनी चाहिए, फॉर ऑल ए बी सी इज बिलोंग्स टू ए। आगे समझ में? अब देखते हैं एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही वाला एग्जाम्पल, रियल नंबर वाला, प्लस के लिए होगा। और मल्टीप्लीकेशन के लिए भी होगा, बट नेगेटिव के लिए यानी सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं होगा और डिवाइडेशन के लिए भी नहीं होगा। एग्जाम्पल है अपने पास, कोई सा भी एक एग्जाम्पल उठा के देख लो, टू थ्री और फोर लेके देख लो। प्लस के लिए क्या होगा? टू प्लस थ्री स्टार फोर, पहले तो क्या होगा फाइव स्टार फोर, फिर क्या आया फाइव प्लस फोर जो नाइन, ये तो आ गया। अगर इनका इंटरचेंज कर दे तो क्या बनेगा? टू ये थ्री प्लस फोर क्या होगा टू सेवन, क्या होगा टू प्लस सेवन जो नाइन। ये देख दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों एसोसिएट, मतलब ये जो फंक्शन, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये क्या है अपना? कम्यूटेटिव। इसके बाद इसकी बात करें मल्टीप्लीकेशन की, सेम यही चीज लगेगी और मल्टीप्लीकेशन भी क्या हो जाएगा अपना? कम्यूटेटिव, सॉरी एसोसिएटिव। सेम इसमें ये, इसकी बात करें तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आगे समझ में? एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक अपना एग्जाम्पल नंबर 37। एग्जाम्पल नंबर 37, ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है देखो, सो दैट स्टार आर आर क्रॉस आर इज गिवन, आर गिवन बाय ए स्टार बी इज ए प्लस टू बी इज नॉट एसोसिएटिव। यानी कि ये है अपने को जो संक्रिया दे रखी है, यानी कि ऑपरेशन दे रखा है, वो कहां दे रखा है? आर से आर में ये दे रखा है, और स्टार क्या दे रखा है अपने को, सॉरी जो ये अपने को ऑपरेशन क्या दे रखा है, स्टार ये दे रखा है अपने को ए प्लस टू बी, ये अपने को दे रखा है। अब ये प्रूव करना है अपने को आर के अंदर कि ये एसोसिएटिव है या नहीं है। देखो सॉल्यूशन, आर के अंदर कोई भी तीन एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी तीन ले ही लेते हैं, जैसे टू थ्री फाइव ले लिए, बिलोंग्स टू आर, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा अपना, यानी कि ए प्लस ए अपना टू है, ये ले लिया अपन ने, सॉरी ये ले लिया टू स्टार थ्री स्टार फाइव। तो पहले इन दोनों में लगेगी बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन दो में लगेगा, पहले इसमें लगाओ क्या होगा टू प्लस टू बी, यानी कि टू बी यानी कि सिक्स क्रॉस फाइव आया, क्या हो जाएगा आठ सॉरी एट स्टार फाइव। इसके बाद अब इन दोनों में लगेगा एट प्लस टेन, कितना आया एटीन आ गया। ये तो ये रहा, अब एसोसिएटिव के लिए क्या होगा, टू क्रॉस थ्री क्रॉस फाइव होना चाहिए, होगा क्या चेक करते हैं। ये क्या हो जाएगा थ्री प्लस टेन, क्या बना टू स्टार थर्टीन, वापस से लगाया इसको, ये हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स प्लस 26, ये हो जाएगा 28। ये देखो और ये देखो इज नॉट इक्वल टू, यानी कि क्या हुआ टू क्रॉस थ्री टू स्टार थ्री स्टार फाइव इक्वल टू नॉट इक्वल टू टू स्टार थ्री स्टार फाइव। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऑपरेशन है अपना ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आया समझ में? इसके बाद अपन बात करते हैं आगे आइडेंटिटी एलिमेंट।
आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट कोई ऑपरेशन है ए क्रॉस ए ए में, अगर इसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट ई बिलोंग करता है ए में, जिसके लिए ये जो ऑपरेशन है ये बन जाए ये वाला, ये ऑपरेशन क्या हो ये, तो ये जो एलिमेंट होगा ई ये क्या कहलाएगा अपना आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि ए बाइनरी ऑपरेशन ये दे रखा है उसके अंदर ये एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ऑपरेशन कैसा होगा ये इस वाले एलिमेंट के लिए। आइए समझ में कैसे फॉर ऑल जो ए है वो कहां करेगा ए में एग्जिस्ट करेगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। आया समझ में? देखो एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट एक बार फिर से देखते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? कोई ऑपरेशन दे रखा है ये ऑपरेशन इसके अंदर दे रखा है अपने को ए क्रॉस ए को ए के अंदर, अगर उसमें कोई एलिमेंट ई ए के अंदर एग्जिस्ट है मतलब कि बिलोंग कर रहा है, अगर वो जो एलिमेंट है वो ऑपरेशन को ये कर दे, इसका मतलब क्या हुआ जो ये एलिमेंट है ये एलिमेंट अपना क्या होगा, ये एलिमेंट होगा अपना आइडेंटिटी एलिमेंट। आया समझ में? एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 38, एग्जांपल नंबर 38 देखो। सो दैट जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑन आर एंड वन इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑन आर, बट देर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन माइनस एंड डिवाइडेशन, यानी कि डिविजन। सबसे पहले अपन बात करते हैं जीरो की एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि ऑपरेशन तो अपना ये दे रखा है आर क्रॉस आर का ये, यही दे रखा है। इसके लिए बोल रहा है कि ई यानी कि ई की जगह क्या है अपना जीरो, ये बिलोंग करता है आर में, तो ये ऑपरेशन अपने को प्रूव करना है ये सॉरी ए स्टार ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई स्टार ए, ये करना है। सबसे पहले ये करते हैं ए यानी कि ए जीरो इक्वल्स टू ए प्लस जीरो क्या होगा ए, उसके बाद जीरो ये जीरो प्लस ए क्या होगा ए, यानी कि देखो दोनों इक्वल आ गया ये और ये दोनों एक इक्वल आ रहा है, मतलब जो जीरो है ये इसके लिए अपना आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी कि एडिशन के लिए क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यही बात अगर अपन करें मल्टीप्लीकेशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए इसने बोला है ए, यानी कि एक इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है वो रहा ये, क्या होगा रख दो वैल्यू ए इंटू वन इक्वल टू सॉरी ए स्टार वन इक्वल टू ए इंटू वन क्या होगा ए, उल्टा करें अपन ए स्टार ए सॉरी वन स्टार ए इक्वल टू वन इंटू ए इक्वल टू ए, दोनों देखो इक्वल आ रहा है, यानी कि ये वाला अपना क्लोज ये प्रूव कर रहा है यानी शो कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा ये जो वन है ये किसी भी मल्टीप्लीकेशन के लिए सेट आर में क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। सेट का ध्यान रखना है, अगर सेट चेंज हो जाए तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं वो सेट को देख के अपन डिसाइड करेंगे कि है या नहीं है। अगर मैं बात करूं यहां प्लस की और ये मैं सेट दे दूं यहां पर ये वाला, तो क्या इसमें कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट पॉजिटिव प्लस के लिए क्या है जीरो, और जीरो अपना नॉट बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ध्यान क्या रखना है सेट का, अपने को ध्यान रखना है कि सेट कौन सा दे रखा है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं अपन इनवर्टिबल एलिमेंट्स के लिए। इनवर्टिबल एलिमेंट क्या होगा अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट पता है, इसका मतलब इनवर्टिबल एलिमेंट का मतलब होगा ऐसा एलिमेंट यानी कि कोई अगर ऑपरेशन दे रखा है ये वाला ए क्रॉस एम है, जहां ए बिलोंग करता है ए को और बी भी बिलोंग करता है
ए को, ठीक है, ए और बी कहां बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कहां कर रहा है, ए में। उसके लिए अगर ये ऑपरेशन अगर ये हो, तो जो बी होगा क्या होगा, बी जो बी होगा वो कहलाएगा इन्वर्टिबल एलिमेंट, यानी कि इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट किसका कहलाएगा, ए का, और ए क्या होगा अपना इनवर्स। आएगा समझ में, यानी कि बी क्या होगा, ए का इनवर्स। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, बी को, बी इसको डिनोट कर सकते हैं अपन ए इनवर्स। आया समझ में, कहने का मतलब क्या है, ए के साथ कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जिसमें ऑपरेशन दिया हुआ, ऑपरेशन लगाने पर क्या हमें मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो वो जो एलिमेंट होगा, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, इनवर्स एलिमेंट किसका, ए का। आया समझ में, ये पूरा का पूरा होना चाहिए। आ गया समझ में, यानी कि बी क्रॉस ए, सॉरी बी स्टार ए करे और ए स्टार बी करे, दोनों करे, तो क्या होना चाहिए अपने पास, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाना चाहिए। जैसे अपन बात करें पॉजिटिव के लिए, आर टू आर में अपने को जो ई है वो क्या होगा, जीरो होगा, पता है अपने को, यानी कि एडिशन के लिए जो ई होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। तो ए आर के अंदर एक ऐसा एलिमेंट यानी कि बी लगाएं जो क्या हो जाए, ई ला दे, क्या होगा, ए और माइनस से कहां बिलोंग कर रहे हैं, आर में, लगाओ इसमें ए क्रॉस ए, सॉरी माइनस ए, क्या देगा अपने को, ए प्लस माइनस ए जो क्या देगा, जीरो। उल्टा लगाओ, माइनस ए क्रॉस ए क्या होगा, बराबर जीरो। देखो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो माइनस ए है वो इनवर्स है किसका, ए का, किसमें, आर में, आर में माइनस ए किसका इनवर्स होगा, ए का। आया समझ में, यानी कि जो ऑपरेशन लगाया पर, ऑपरेशन लगाने पर अगर अपने को ई मिल जाए, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, क्या होगा, इन्वर्टिबल एलिमेंट। आ गया समझ में, यानी कि इनवर्स एलिमेंट यानी किसका होगा, ए का, जिसके साथ अपन ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्या होगा, इनवर्स एलिमेंट। आ गया समझ में, अब इसकी बात बात करेंगे अपन, इसकी एक्सरसाइज 1.4 वो अपन करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।